आप देख रहे हैं दखल न्यूज। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बनी बीजेपी के लिए मुसीबत, मोदी ने कहा साध्वी प्रज्ञा को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बीजेपी प्रवक्ता अनिल सौमित्र ने बताया गांधी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता, बीजेपी ने किया सौमित्र को निलंबित। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का यू टर्न, कांग्रेस की प्रधानमंत्री पद में रुचि, सबसे बड़े दल को मिलना चाहिए मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मत, दोबारा लौट कर आ रही है पूर्ण बहुमत वाली सरकार। और एमपी में खनिज माफियाओं के हौसले हैं बुलंद, महिला एसडीएम को की कुचलने की कोशिश। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर का मतदान रविवार को होगा, इसके लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 8 राज्यों की 59 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। आखिरी दौर में मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के परिणाम 23 मई को घोषित होंगे। अब बात साध्वी प्रज्ञा सिंह की। साध्वी से नई नई नेता बनी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का राजनीतिक करियर उनके बड़बोलेपन के कारण हिचकोले खाते नजर आ रहा है। प्रज्ञा सिंह पिछले कुछ दिनों से बीजेपी को कई बार बैकफुट पर ले आई हैं। खुद को चर्चाओं में बनाए रखने के लिए वे जिस तरह के बयान देती हैं उससे बीजेपी की जमकर किरकिरी हो रही है। हेमंत करकरे से लेकर नाथूराम गोडसे तक पर बयान देकर उन्होंने बीजेपी की जमकर भद्द पिटवाई। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को कहना पड़ा कि मैं साध्वी प्रज्ञा को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अति महत्वाकांक्षी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सब कुछ जल्दी पा लेना चाहती हैं। यही वजह है कि राजनीति में आते ही उनका बड़बोलापन चालू हो गया। प्रज्ञा ने शहीद हेमंत करकरे को लेकर जो बयान दिया उससे बीजेपी ही नहीं पूरा देश उनसे नाराज हो गया। लोगों ने सवाल खड़ा किया कि आतंकवाद की आरोपी प्रज्ञा सिंह और उनके शाप में अगर दम है तो वो पाकिस्तान हाफिज सईद, अजहर मसूद और दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं श्राप देकर खत्म करती। प्रज्ञा के फैलाए रायते को बीजेपी जैसे तैसे समेट पाती है कि प्रज्ञा नया रायता फैला देती है। इस बार प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहकर अपनी मंशा जाहिर कर दी कि वह चाहती क्या है, लेकिन उनकी चाहत बीजेपी को भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि बीजेपी ने उनसे तत्काल माफी मांगने को कहा। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। ये मेरा निजी बयान क्या है, मैं रोड शो में थी और जिस प्रकार से भगवा आतंक को जोड़ करके इन्होंने जो प्रश्न किया है और मैंने तत्काल चलते चलते जो उत्तर दिया है वो उत्तर तत्काल में निकला हुआ है। मेरी भावना किसी भी प्रकार से किसी को आहत करने की नहीं थी, ना किसी के मन को कष्ट पहुंचाने की थी। अगर किसी के मन को कष्ट पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। गांधी जी ने जो देश के लिए किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। लेकिन इस बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और मैंने अभी टीवी नहीं देखा है, कुछ नहीं, लेकिन मैं पार्टी की एक अनुशासन मानने वाली कार्यकर्ता हूं और इसलिए जो पार्टी की लाइन है वही मेरी लाइन है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई जिन लोगों के मन को आहत हुआ है मैं क्षमा मांगती हूँ उस बयान के लिए।
प्रज्ञा सिंह ने जिस तरह माफी मांगी, यह बीजेपी के लिए और ज्यादा दुखदायी साबित हुआ। बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को प्रज्ञा का यह अंदाज कतई पसंद नहीं आया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर बड़ी टिप्पणी की। पीएम मोदी ने कहा कि भले ही साध्वी प्रज्ञा ने माफी मांग ली हो, लेकिन मैं अपने मन से उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मोदी का यह कहना है कि बड़बोली साध्वी प्रज्ञा सिंह को हाशिए पर लाने के लिए पर्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान जारी किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे को लेकर जो भी बातें की गई हैं, वो भयंकर खराब है। पीएम मोदी ने दो टूक कहा है कि ये बातें पूरी तरह से घृणा के लायक हैं। सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की बातें नहीं चलती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भले ही इस मामले में उन्होंने माफी मांग ली हो, लेकिन मैं अपने मन से उन्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आखिरकार उन्हें बीजेपी और आरएसएस के बारे में पता चल गया है। वो लोग भगवान को चाहने वाले नहीं, बल्कि नाथूराम गोडसे को चाहने वाले हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके मंत्रियों ने कहा कि इस मसले पर प्रज्ञा सिंह पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। गांधी जी या गोडसे के सामने में जो भी बातें कही गई, चाहे इस प्रकार के जो भी बयान दिए गए, ये भयंकर खराब है, हर प्रकार से घृणा के लायक है, आलोचना के लायक है। सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की भाषा नहीं चलती है, इस प्रकार की सोच नहीं चल सकती। इसलिए ऐसा करने वालों को 100 बार आगे सोचना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं साध्वी प्रज्ञा के बयान की सख्त निंदा करता हूं। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि वो देवता थे, अभी तक तो उन्होंने कहा देशभक्त हैं, पर ये उनकी सोच का एक प्रतीक है, भारतीय जनता पार्टी की सोच का एक प्रतीक है। अब भारतीय जनता पार्टी कहेगी, इसका खंडन करेगी, पर ये पहले कहलवा दो और उसके बाद खंडन करो। ये सच्चाई जो है हमारे हर देशवासी को पहचाननी चाहिए कि इसकी सोच में कितनी खोट है। आज हमारे राष्ट्रपिता के बारे में ऐसी बात कहना, तो मैं सोचता हूँ ये तो इस पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो इस देश के छात्र नेता है, जो इस देश के नेता है, उन पे तो देशद्रोह का मामला मुकदमा कायम करने में पीछे नहीं हटती। और जहां हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त की बात कहने वाले प्रज्ञा जी, उन पे देशद्रोह का मामला कायम होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे देश के लिए नहीं, इस विश्व की एक महानतम हस्तियों में से रही है, जिन्होंने अहिंसा के दम पर एक शांति के रूप में भारतवर्ष को आजादी दिलवाई है। उनकी एक विचारधारा विश्व में चलती है। भाजपा की लगातार हो रही किरकिरी के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर इन बयानों से किनारा किया और कहा कि ये उनके निजी बयान थे, पार्टी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। शाह ने लिखा कि बीजेपी की अनुशासन समिति इसके खिलाफ एक्शन लेगी। भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एनआईए कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट आरोपियों के अदालत न आने से नाराज नजर आया है और कहा मालेगांव ब्लास्ट से जुड़े सभी आरोपी हफ्ते में एक दिन कोर्ट में जरूर पेश हों। नई नई बीजेपी नेता बनी साध्वी प्रज्ञा सिंह की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही है। एनआईए कोर्ट ने आदेश दिया है कि मालेगांव ब्लास्ट से जुड़े सभी आरोपी हफ्ते में एक दिन कोर्ट में जरूर पेश हों। मामले में प्रज्ञा के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित भी आरोपी हैं। शुक्रवार को ही सुनवाई में एनआईए कोर्ट ने यह आदेश दिया। कोर्ट इस बात से खफा है कि आरोपी कोर्ट से लगातार गैर हाजिर हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी। बीजेपी के नेता पार्टी की फजीहत करवाने से बाज नहीं आ रहे। साध्वी प्रज्ञा भारती के नाथूराम गोडसे पर दिए बयान के बाद विवाद थमा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अनिल सौमित्र ने महात्मा गांधी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता बता दिया। इसके बाद अनिल सौमित्र को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अनिल सौमित्र ने अपने फेसबुक पोस्ट में महात्मा गांधी को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बताया। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। भोपाल से दिल्ली तक पूरी बीजेपी हिल गई। एमपी बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने तत्काल अनिल सौमित्र को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाथुराम गोडसे को देशभक्त बताने वाले बयान पर विवाद थमा भी नहीं था कि भाजपा के एक और नेता ने महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अनिल सौमित्र ने अपने फेसबुक पोस्ट में महात्मा गांधी को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बता दिया। सौमित्र की इस पोस्ट के बाद हंगामा खड़ा हो गया। सौमित्र ने गांधी जी के बारे में लिखा है कि वे राष्ट्रपति थे लेकिन पाकिस्तान के, भारत राष्ट्र में उनके जैसे करोड़ों पुत्र हुए, कुछ लायक तो कुछ नालायक। सौमित्र का यह पोस्ट देर रात आया। मैंने बहुत सारी बातें, मैं गांधी विचारों का अध्येता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मैं हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन गांधी जी के बारे में अनेक बातें कहता हूँ। लोगों से ये निवेदन करता हूँ, गांधी जी के जो स्वदेशी के विचार थे, गांधी जी के जो गौ संरक्षण के विचार थे, गांधी जी का जो आर्थिक मॉडल है उसको अपनाना चाहिए राज्य के स्तर पर, शासन के स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। तो ये बहुत सारी बातें हैं। मैंने वो जो फेसबुक में पोस्ट लिखी है उसका आशय, एक तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि नितांत मेरा व्यक्तिगत विचार है और जो मैं डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर अपने विचार रखता हूँ वो उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं होता है, मेरे व्यक्तिगत विचार होते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँ, मैंने ये कहा उसमें कि जब अंग्रेज यहाँ पर थे, जाते जाते हुए उन्होंने एक षड्यंत्र किया कि भारत के टुकड़े कर दिए जाएँ। उस षड्यंत्र में दो महत्वपूर्ण को लोगों को उन्होंने मोहरा बनाया, या योजनाकार कह लें उनको, एक जिन्ना और दूसरे नेहरू। इन दोनों के मन की बात उन्होंने भांप ली थी कि इनके मन में प्रधानमंत्री बनने की तीव्र इच्छा है, और उसी भावना को पकड़ के उन्होंने इनको योजनाकार बनाया, और एक उधर पाकिस्तान बन गया, एक इधर भारत रह गया। तो एक के प्रधानमंत्री जिन्ना हो गए और दूसरे के प्रधानमंत्री नेहरू हो गए। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी, उसमें उनकी मौन स्वीकृति थी, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर देश का बंटवारा नहीं होने दूंगा। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या से लेकर अब तक ये नाथुराम गोडसे के उपासक लोग हैं, उनका संगठन है, और ये गांधी युग की समाप्ति की ओर इनका प्रयास है। बस गाहे बगाहे इनके विचार सामने मीडिया ला देती है, वरना ये समझ नहीं पाता, देश इनको राष्ट्रवादी समझता है, और इसीलिए राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र इन्हें अपने हाथ से बांटने का काम कर रहे हैं। और जहाँ ये इनको ये देखना चाहिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मनाते हुए जन्म शताब्दी, जहाँ इनकी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जयंती मना रहे हैं, और ऐसी दशा में इनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, प्रत्याशी द्वारा इस तरह का सब अपशब्द बोला जाना, शहादत को अपमानित करने का काम किया जाना, और ये आज अनिल सौमित्र जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनके द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया जाना देश बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये देश की भावना है कि आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाए। हम अपनी सफलता का जितना गौरव करें उतना कम है। कांग्रेस सैनिकों से विशेषाधिकार छीनने पर और देशद्रोह जैसे कानून को लेकर जनता के बीच गई, जिसे जनता ने ठुकरा दिया। जो लोग जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की पैरवी कर रहे हैं उनको कड़ी सजा देनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार मतदाता वोट किसी दल के लिए नहीं, देश के लिए कर रहा है। जनता सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए खुद मैदान में उतर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरगोन के मेला मैदान में सभा करने पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि चुनाव की आखिरी सभा में मैं माता अहिल्या और माँ नर्मदा की गोद में आया हूँ। मैंने यूपी के मेरठ से लोकसभा चुनाव की सभा की शुरुआत की थी और आज आखिरी सभा खरगोन में हो रही है। मेरठ और खरगोन के बीच एक डोर ऐसी भी है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। मेरठ और खरगोन दोनों ही शहर राष्ट्रवाद की प्रेरणा से जुड़े हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हैं। मेरठ में जहां अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का बिगुल बजाया गया था, वहीं खरगोन में भीमा नायक ने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार मतदाता वोट किसी दल के लिए नहीं, देश के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की भावना है कि आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाए। इस सभा में मोदी के निशाने पर कांग्रेस ही रही। आप सिर्फ एक वोट नहीं डालने वाले बल्कि विकसित और वैभवशाली नए भारत की नींव को मजबूत करने वाले हैं। साथियों, लोकतंत्र में चुनाव सरकार बनाने के लिए होता है। राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि, उम्मीदवार,
आपसे अपनी अपनी नीयत और नीति के हिसाब से वोट मांगते हैं। लेकिन 2019 का ये चुनाव पहले के चुनावों से बिल्कुल भिन्न है, अभूतपूर्व है। इस चुनाव का नेतृत्व देश की जनता कर रही है, आप लोग कर रहे हैं। मतदान किसी दल के लिए नहीं, बल्कि पूरा देश, देश का हर मतदाता इस बार मतदान दल के लिए नहीं, देश के लिए कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी एक किताब है जिसमें आदिवासियों के लिए क्या काम किए जाए इसका पूरा वर्णन है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब तक मोदी है तब तक भाजपा है, जब तक जंगल में रहने वालों के अधिकार और उनकी जमीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आपका ये सेवक आदिवासी समाज की पढ़ाई, दवाई और सिंचाई के लिए मेहनत से काम कर रहा है। पीएम ने कहा मंडियों को बिचौलियों से मुक्त करवाने और किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। विधानसभा का चुनाव 150 दिन पहले हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस वालों ने घूम घूम कर गिनती सिखाई थी, 1, 2, 3 और 10 दिन में किसान का कर्जा माफ कर देंगे। अब तो 150 दिन हो रहे हैं, मुझे बताइए कर्जा माफ हुआ क्या? ये झूठ बोलते हैं, धोखा करते हैं, किसान परेशान है, बैंक नया कर्ज दे नहीं रहा। इन्होंने बिजली का बिल हाफ करने के लिए कहा था, लेकिन इनके आते ही इनके शैतानी दिमाग ने बिजली को ही हाफ कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कहा 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए सरकार ने सफल प्रयास किया। देश की जनता के मन में अब किसी भी तरह का असुरक्षा का भाव नहीं है, उन्हें पता है कि अब देश सुरक्षित है। बीजेपी मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मेरा मत है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार पूरा कार्यकाल कर दोबारा लौट कर आ रही है, ये लंबे अरसे के बाद हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आजादी के बाद जितने भी चुनाव अभियान हुए हैं भाजपा की दृष्टि से यह सबसे मेहनत वाला और विस्तृत चुनाव अभियान रहा है। यह अनुभव रहा है कि जनता हमसे आगे रही है। 2014 में देश की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया था, हम लोग इसे नरेंद्र मोदी एक्सपेरिमेंट के नाम से चर्चा करते हैं। 133 योजनाओं ने समाज के हर वर्ग को चुना है, हर 15 दिन में एक योजना शुरू की गई है। 2014 में 6 सरकारें थी, आज 16 सरकारें हैं। एक समय 19 राज्य सरकारें थी। 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए सरकार ने सफल प्रयास किए हैं। देश की जनता के मन में अब किसी भी तरह की असुरक्षा का भाव नहीं है, उन्हें पता है कि अब देश सुरक्षित है। फीडबैक और हमारे फीडबैक के आधार पर मैंने 2 दिन भी पहले भी आप लोगों को बताया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया है, मगर मैं फिर से एक बार आज रिपीट करना चाहूंगा कि 23 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है कि हम 300 से ज्यादा सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ NDA की सरकार बनाने जा रही है और मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा मेरा बूथ सबसे मजबूत। इसके तहत पीएम ने सभी कार्यकर्ताओं से सीधी बात की। नरेंद्र मोदी के काम और पीएम के लिए लोगों का जो लगाव है, उस लोकप्रियता के कारण हमें ढेर सारे वॉलंटियर्स मिले। पीएम मोदी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ बातें दुनिया के लिए गर्व के साथ कह सकते हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व के सामने इसे ले जाना सबका दायित्व है। इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, ये हमारे देश की अपनी ताकत है कि सब होता है, चुनाव शानदार रहा। मेरा मत है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार पूरा कार्यकाल कर दोबारा लौट कर आ रही है, ये लंबे अरसे के बाद हो रहा है। कि शुरुआत 17 मई से ही हो गई थी, सट्टाखोरी के दिमाग को बहुत बड़ा धक्का इस देश की जनता ने दे दिया था। और जैसे कहते हैं ना पुत्र के लक्षण पालने में, वैसी वो शुरुआत थी। तो आज 17 मई है तो मुझे याद आया, मैंने कहा जरा आपसे शेयर कर लूं। सरकार बनना देश की जनता ने तय कर लिया है, हमने भी देश को आगे ले जाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें कही हैं।
कांग्रेस पार्टी 24 घंटे में ही अपने उस बयान से पलट गई जिसमें कहा गया था कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए वह किसी भी दल या गठबंधन का समर्थन करने को तैयार है, चाहे पीएम पद मिले या नहीं। अब शुक्रवार को आजाद ने नया बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, यह सच नहीं है कि कांग्रेस दावा नहीं करेगी या हमारी पीएम पद में रुचि नहीं है। जाहिर तौर पर हम देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है। यदि देश में मजबूती के साथ 5 साल सरकार चलाना है तो सबसे बड़े दल का मौका मिलना चाहिए। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2019 के आखिरी चरण की वोटिंग से पहले गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को कहा था कि एनडीए को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस किसी भी दल या गठबंधन को समर्थन देने को तैयार है, चाहे पीएम पद कांग्रेस को मिले या नहीं। बकौल आजाद, 23 मई को नतीजों के बाद यदि कांग्रेस के पक्ष में आम सहमति बनती है तो केंद्र में अगली सरकार का नेतृत्व करेगी, लेकिन यदि एनडीए सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के पक्ष में सर्वसम्मति नहीं बनती तो हम ये मुद्दा नहीं बनाएंगे कि पार्टी किसी और को प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी। आजाद ने कहा, शुरू से हमारा एकमात्र मकसद रहा है कि केंद्र में एनडीए सरकार दोबारा नहीं बनना चाहिए। वहीं तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति ने उम्मीद जताई है कि लोकसभा चुनाव के बाद त्रिशंकु संसद की सूरत में रीजनल पार्टियां मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा प्रस्तावित फेडरल फ्रंट में शामिल हो जाएंगी। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सड़क बाधित कर पोस्टर बैनर के जरिए नक्सलियों ने कांग्रेस पर चुनाव से पहले किए वादों से मुकरने का आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस भी बीजेपी की तर्ज पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से समझौते को अमल में ला रही है। नक्सली छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से भी खफा नजर आ रहे हैं। नक्सलियों ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस भी अपने वादों से मुकर रही है। नक्सलियों ने बेलाडीला के डिपॉजिट 13 में उत्खनन का विरोध करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा शासन की तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों से समझौते को कांग्रेस भी अमल में ला रही है। नक्सली विज्ञप्ति में कहा गया है कि इलाके के संसाधन को लूटने के लिए पुलिस कैंपों की स्थापना करने में ही लाखों रुपए व्यय किए जा रहे हैं। दरबार डिवीजन के सचिव साईनाथ ने विज्ञप्ति में कहा है कि अनुसूचित इलाकों में पेशा कानून को अमल करने का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार अब खुद उसकी धज्जियां उड़ाने में लगी है। विज्ञप्ति में कहा है कि करंदुल इलाके में 4 और पोटाली व चिकपाल पंचायत में नए कैंप खोले जा रहे हैं। इससे जनता को नुकसान होगा, इसलिए लोगों में आक्रोश है। दूसरी ओर धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बरगुम और पोटाली में ग्रामीणों ने रैली निकाली और आम सभा भी की। इसमें 14 गांव के 5,000 से अधिक ग्रामीण शामिल हुए। जेल में बंद नक्सल मामलों के कैदियों को अब तक रिहा न करने की बात से लोग नाराज दिखे। कांग्रेस गवर्नमेंट पर भी लगातार मुठभेड़ करवाने का आरोप लगाया और अब सभी मामलों में ग्राम सभा करने का एक स्वर में निर्णय लिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोडी ने अब इन ग्राम सभाओं की गूंज संयुक्त राष्ट्र में उठाने की बात कही। सोनी सोडी ने बस्तर की फिजाओं में अब तक खूनी संघर्ष खत्म न करवाने पर भी सरकार पर आरोप लगाया। इंदौर से भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी छावनी मंडी पहुंचे और व्यापारियों से मेल मिलाप करते हुए वोट मांगे। लालवानी के साथ लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी मौजूद थी। महाजन और लालवानी को व्यापारियों ने अपनी समस्याएं बताई। व्यापारियों की बरसों से मुख्य मांग छावनी मंडी को शहर से बाहर ले जाने की है, लेकिन मामला शिवराज सरकार के समय से ही TNCP डिपार्टमेंट में अटका हुआ है। भाजपा नेताओं ने व्यापारियों को मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। इंदौर से लोकसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाली सुमित्रा महाजन का टिकट भले ही इस बार भाजपा आलाकमान ने काट दिया हो, लेकिन फिर भी वे नाराज न होकर घर बैठने के बजाय शंकर लालवानी के लिए दौड़ भाग करती नजर आ रही हैं। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी के साथ छावनी अनाज मंडी पहुंची। नेताओं की ये टोली ऐसे समय मंडी पहुंची जब नीलामी चलती है और व्यापारी अनाज खरीद की बिक्री के लिए बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। व्यापारियों के बीच पहुंचकर लालवानी और ताई ने मेल मिलाप किया। ताई ने बोरों में से अनाज हाथ में लेकर उनके दाम क्वालिटी के बारे में पूछताछ की। अनाज मंडी में व्यापारियों के बीच में आज मैं भी हूँ, यहाँ शंकर भैया भी यहाँ सबको मिलने के लिए। वैसे तो अनाज मंडी में मेरा साल में दो बार तो भी आना होता ही,
और मिलते रहते हैं, एक दूसरे की समस्या समझते रहते हैं। आज विशेष रूप से चुनाव की दृष्टि से हम यहाँ पर उपस्थित हैं। शंकर भैया को सबको व्यक्तिगत रूप से मिला रहे हैं, मिल रहे हैं, और उनको व्यापारियों को समर्थन मांगने के लिए, उनका समर्थन मांगने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। वैसे यहाँ के सभी व्यापारियों का सतत सहयोग हमें हर काम में मिलता आया है। छावनी अनाज मंडी को शहर से बाहर करने की मांग व्यापारी बरसों से कर रहे हैं। बाईपास पर मंडी को शिफ्ट करने के लिए जमीन भी देखी गई है, लेकिन मामला टीएनसीपी डिपार्टमेंट भोपाल में अटका हुआ है। शिवराज सरकार के समय से ही मामला ठंडे बस्ते में है। भाजपा ही पहुंचे तो व्यापारियों ने फिर समस्या बता दी। मंडी शहर से बाहर ले जाने का वादा भी लालवानी ने व्यापारियों से किया। उधर व्यापारियों का कहना है कि हमारे लिए दोनों ही पार्टी के नेता एक समान है। मंडी में जब भी कार्यक्रम होता है हम दोनों ही पार्टी के नेताओं को बुलाते हैं। समस्याएं हल करवाने का आश्वासन लालवानी और ताई से मिला है। मध्य प्रदेश में मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना में आईटी का उपयोग किया जाएगा और रियल टाइम काउंटिंग सभी जान सके इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएल कांताराव ने मतगणना के लिए प्रदेश भर में जोरदार तैयारियां करवाई हैं ताकि सबको रियल टाइम काउंटिंग की जानकारी मिल सके। मतगणना पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। काउंटिंग हॉल के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे होंगे। मतगणना स्थल की वेबकास्टिंग नहीं होगी। काउंटिंग सेंटर में वाईफाई और जैमर दोनों ही नहीं होगा। लीज लाइन से होगा कनेक्शन। पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में जो अंतिम चरण का चुनाव है वो 19 मई को होने हैं, जिसके लिए हमारे लिए सारी तैयारियां हैं, और उस अंतिम चरण के पश्चात 23 मई को 51 जिलों में, जिला मुख्यालय में मतगणना की जाएगी। मतगणना की पूरी व्यवस्था हमारी कर दी गई है। मतगणना दलों का गठन किया जा रहा है, मतगणना का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, राजनीतिक दलों को भी मतगणना के संबंध में जानकारी दी जाएगी। कांताराव ने बताया कि प्रज्ञा के विवादित बयान पर प्रतिवेदन सेंट्रल को भेजा गया है। कंप्यूटर बाबा ने परमिशन की शर्तों पर उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। रेत के अवैध उत्खनन के लिए पन्ना जिला हमेशा सुर्खियों में रहता है और बदनाम भी है। पन्ना जिले में अवैध रेत उत्खनन का कारोबार बेखौफ पनप रहा है। इन शातिर खनन माफियाओं को किसी का डर नहीं है और जो इनके रास्ते में आता है वे उसे जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जब जिले की महिला एसडीएम आयुषी जैन ने रेत से भरा ट्रक रोकने का प्रयास किया तो चालक ने एसडीएम की सरकारी गाड़ी को टक्कर मारकर उनको कुचल कर मारने की कोशिश की। उनके सुरक्षाकर्मी ने अपनी सूझबूझ से उनकी जान बचाई। पन्ना जिले की अजयगढ़ जनपद में महिला एसडीएम आयुषी जैन अनाज खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने जा रही थी। रास्ते में उन्हें अवैध रेत से भरा ट्रक दिखा जिसे उन्होंने रोका तो महिला एसडीएम को रेत माफिया ने डंपर से कुचलने की कोशिश की। अफसर ने मौके से अजयगढ़ एसडीओपी एवं अजयगढ़ थाना प्रभारी को दूरभाष पर घटनास्थल पर तत्काल उपस्थित होने को कहा, लेकिन पुलिस अफसर काफी देर बाद मौके पर पहुंचे जब तक माफिया रेत से भरा ट्रक लेकर भाग गया। एसडीएम ने कलेक्टर को पत्र लिखकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। वहीं एसडीओपी और थाना प्रभारी पर जांच में सहयोग नहीं करने और जनपद पंचायत अध्यक्ष पर अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं। मामला मंत्रालय तक पहुंच चुका है। पुलिस मुख्यालय के दबाव के बाद आनन फानन में पन्ना पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। भोपाल तक पहुंचे इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना इस प्रकार है कि मैं अभी लगभग 11:15 बजे धर्मपुर क्षेत्र में जा रही थी। हमारे गेहूं उत्पादन के दो केंद्र हैं वहाँ पे, उनका निरीक्षण करने जा रही थी। रास्ते में माधवगंज चौराहे पे मुझे एक रेत का ट्रक क्रॉस हुआ, उसको हाथ दिया लेकिन वो रोका नहीं, तो हमने अपनी गाड़ी बैक की, उसका पीछा किया। वो गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहा था, 2-3 बार गाड़ी आगे पीछे हो पाई लेकिन उसके इरादे नहीं लग रहे थे कि वो रोकेगा गाड़ी। उसके पूरे इरादे थे कि वो हमको टक्कर मार के निकाल देगा अपनी गाड़ी। उसके बाद जब बैरियर पड़ा वन भाग का, उस पर जब उसकी गाड़ी रुकी तब हमने गाड़ी आगे लगाकर उसको ओवरटेक किया है, और ओवरटेक करने के बाद 2-4 अज्ञात आदमी वहाँ मौके पर आए। उनका कहना ये था कि हम देख लेंगे, कर लेंगे, और उसके बाद उन्होंने मेरे सामने उनको पिट पास हाथ पर पकड़ाया, जबकि हमारी यहाँ की सारी खदानें बंद चल रही मोहाना को छोड़ के। तो वो जो पिट पास था वो भी उनका फर्जी था। और उसके बाद जब हमने उनसे कहा कि मौके पर पुलिस को भी हमने बुलवाया लेकिन जब तक पुलिस नहीं आ पाई थी, तो इस इतनी देर में जनपद अध्यक्ष आए अपनी गाड़ी से, भरत मिलन पांडे,
और उनका कहना था पिट पास ये रखा हुआ है, हमने उनसे कहा कि नहीं ये मौके पे आपने दिया है और ये फर्जी है, तो उनका ये कहना था कि तुमसे जो उखाड़ते मैंने उखाड़ लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये गाड़ी में लेकर जाऊँगा। और अपनी दबंगाई के तहत उनने वो गाड़ी को वहाँ से बढ़वाया, हमने वो गाड़ी का पीछा भी किया, तो वो जो अपनी रहने का उनका स्थान है वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी गाड़ी पलट ली, गाड़ी को गायब करवा दिया, मौके से ड्राइवर को गायब करवा दिया। उस समय वो वहाँ पुलिस पहुँची, तब तक वहाँ कुछ नहीं मिला। जानकारी के अनुसार अजयगढ़ विकास खंड में पदस्थ महिला एसडीएम आयुषी जैन ने कांग्रेस नेता एवं जनपद पंचायत अजयगढ़ के अध्यक्ष भरत मिलन पांडे तथा उनके गुर्रों पर खुलेआम धमकाने और बगैर पिटपास के रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रक को जबरन छुड़ा कर ले जाने का आरोप लगाया है। एसडीएम ने अपने साथ हुई अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा डालने की घटना की लिखित शिकायत स्थानीय पुलिस थाना में कर दी है। वहीं कलेक्टर अजयगढ़, एसडीओपी एवं अजयगढ़ थाना प्रभारी को पत्र लिखकर शिकायत की है। शिकायत में एसडीएम ने बताया है कि जब ट्रक नहीं रुका तो उन्होंने फॉरेस्ट वेरियर माधोगंज पर आगे अपना वाहन लगाया, तब भी ट्रक नहीं रोका गया। मेरे सुरक्षा सैनिक द्वारा डंपर क्रमांक MP35HA0365 को रुकवाया गया और अजयगढ़ एसडीओपी एवं अजयगढ़ थाना प्रभारी को फोन पर तत्काल मौके पर आने की सूचना दी गई, लेकिन वे समय पर नहीं पहुंचे। रास्ते में वन विभाग के बैरियर नाका पर रेत से भरे ट्रक को रुकवाया गया, जहां जांच की गई तो मौके पर पिटपास नहीं मिला। अगले ही पल मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति वहां पहुंचे और ट्रक ड्राइवर के हाथ में पिटपास दे दिया। बगैर पिटपास के रेत का परिवहन करने को लेकर बात चल ही रही थी, तभी कांग्रेस नेता एवं अजयगढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत मिलन पांडे वहां आ गए। पांडे पिटपास दिखाते हुए ट्रक को ले जाने लगे तो एसडीएम द्वारा इसका विरोध किया गया, जिससे बौखलाकर कांग्रेस नेता ने एसडीएम जैन को धमकाते हुए कहा कि तुमसे जो उखाड़ते बने तो उखाड़ लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दबंगई दिखाते हुए जनपद अध्यक्ष भरत मिलन पांडे रेत से लोड ट्रक को जबरन छुड़ाकर अपने आवासीय परिसर में ले गए और वहां रेत को खाली कराकर ट्रक व चालक को भगा दिया। सुकमा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें एक 5 लाख की इनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया है, तो दूसरी ओर कोंटा में 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें महिला भी शामिल हैं। वहीं इनमें से 2 पर 1-1 लाख का इनाम भी घोषित था। पुलिस पुष्पाल थाना क्षेत्र में DRG व जिला बल के जवान चित्तलनार मुंडावाल के जंगल में सर्चिंग अभियान पर निकले थे। वहीं पहाड़ी के पास घेराबंदी कर एक महिला नक्सली को पकड़ने में इन्हें कामयाबी मिली। पूछताछ करने पर पता चला कि सोडी पीसो उर्फ अनीता पिता स्वर्गीय सुड़का, जो कि DKMS अध्यक्ष व कांगेर घाटी एरिया कमेटी की सदस्य है। महिला नक्सली से पुलिस ने काफी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई हैं। इस महिला नक्सली पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। साथ ही गोपनीय सैनिक की हत्या, पुलिस पर फायरिंग करने जैसे मामलों में भी इसकी तलाश थी। इसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। दूसरी ओर कोंटा SDOP चंद्रेश ठाकुर, थाना प्रभारी शरद सिंह व CRPF के अधिकारियों के समक्ष 5 नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इन नक्सलियों ने बताया कि शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर व माओवादियों की खोखली विचारधारा से परेशान होकर इन लोगों ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। इनमें से प्रमुख रूप से कवासी कोसी पर 1 लाख का इनाम घोषित है। मैकम हड़मा पर भी 1 लाख रुपए का इनाम है। इसके अलावा मड़कम देवा, कवासी जोगा, मड़वी भीमा ने भी आत्मसमर्पण किया। ये सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। शादी वाले घर में उस वक्त मातम फैल गया जब अचानक घर पर दुल्हन के पिता की मौत की खबर आई। रिश्तेदार के साथ बाइक पर बैठकर घर वापस लौट रहे थे, उसी समय बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई और दोनों की मौत हो गई। घटना उस वक्त की है जब अपने रिश्तेदार की बेटी का फलदान कर इंद्रपाल सिंह अपने दोस्त जयराम पाल के साथ बाइक से गरौली लौट रहे थे और जब वे छतरपुर से नौगांव पहुंचे तभी तेज रफ्तार बाइक पेड़ से जा टकराई, जिससे दोनों ही घायल हो गए। पीछे से आ रहे उनके रिश्तेदारों ने दोनों को नौगांव स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों के शव पुलिस ने पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। इंद्रपाल का परिवार सदमे में है, जिस घर से आज डोली उठनी थी उसी घर से आज अर्थी उठी है। मोटरसाइकिल से कहाँ जा रहे थे लोग? पकिया से लौटे। किस गांव से? ददगांव। किसकी पकिया में गए थे? ठाकुरी हैं अपने। मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पे हुआ जी? गरौली निकलते गरौली चुनौती को आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे लोग? ये पकिया में गए थे, ददगांव गाँव। रीवा में चल रहा 3 दिवसीय अनुष्ठान ज्ञान यज्ञ नवीन भवन के लोकार्पण और भगवान शिव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न हुआ। अनुष्ठान के बाद भंडारे में क्षेत्र के विभिन्न गांव के लोगों ने भाग लिया।
तीन दिवसीय अनुष्ठान ज्ञान यज्ञ के समापन अवसर पर नवीन भवन के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना की गई। संकादेक महाराज चित्रकूट धाम के करकमलों से ये सभी कार्य हुए। इस दौरान साधु संतों आचार्यों के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई और नवीन भवन का गृह प्रवेश हुआ। इस अवसर पर तीन दिन तक कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। रामाचा यज्ञ साथ विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया, जिसमें रीवा जिले के तमाम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। ये एक भवन बनाया गया, एक हमारे मिश्रा जी हैं, उन्होंने एक भवन बनाया आम लोगों की सुविधा के लिए, शादी या सभा मीटिंग कुछ भी हो बोलिए सुविधा होती है, सामान्य जनों को उपलब्ध नहीं हो पाती तो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब लोगों ने ये एक योजना की जमीन अपनी है इसको काहे बेचा जाए, इसमें विविध भवन बना दिया जाए। इसको ये एक तो यहाँ पे एक आश्रम बना हुआ है और संकादिक महाराज जी के सानिध्य में 101 गुरु महाराज और साधु संत पधारे हुए हैं और इस भवन के उद्घाटन को लेकर यहाँ पे विशेष तौर पे और शिव जी की स्थापना मंदिर के उद्देश्य से काम किया गया है। रेल सुविधा संघर्ष समिति संत नगर रेलवे स्टेशन पर भीषण गर्मी में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने का पुण्य कार्य कर रहा है। समिति ने 21 साल पहले संत हिरदाराम जी के निर्देश पर इस काम को शुरू किया था। संत हिरदाराम नगर में विगत 21 वर्षों से संत हिरदाराम जी एवं सिद्ध भाऊ के आशीर्वाद से रेल सुविधा संघर्ष समिति इस भीषण गर्मी में लोगों के प्यासे कंठ को तर करने का काम कर रही है। प्रतिवर्ष गर्मियों में ये निःशुल्क पानी पिलाने के कार्य को किया जाता है। इस साल भी लगभग एक दर्जन से भी ज्यादा युवा एवं बुजुर्ग यात्रियों को पानी पिला रहे हैं। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है वैसे ही युवा और बुजुर्ग पानी पिलाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। संत नगर के रेलवे स्टेशन पर लगभग 10 से 15 रेलगाड़ियां रुकती हैं। इसके लिए लगभग रोजाना 15,000 लीटर पानी की खपत होती है। पानी और बर्फ की व्यवस्था जीव सेवा संस्थान एवं नव युवक परिषद द्वारा की जाती है। रेल सुविधा संघर्ष समिति के अध्यक्ष परशुराम असनानी ने बताया कि 21 वर्षों से ये क्रम चल रहा है। बड़े हर्ष का विषय है कि पिछले 21 वर्षों से रेल सुविधा संघर्ष समिति द्वारा संत हिरदाराम जी की असीम कृपा और सिद्ध भाऊ जी की विशेष मेहरबानी से ये संस्था अपना सामाजिक कार्य प्याव कार्य चलाती आ रही है। वर्तमान समय में डेली जो है 10 से 15,000 लीटर पानी की खपत है। सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक सेवा कार्य निरंतर जारी रहता है। इसमें संत जी के आशीर्वाद सिद्ध भाऊ जी का असीम प्यार असीम कृपा बनी रहती है। तेंदू पत्ता तोड़ रहे ग्रामीणों पर एक भालू ने हमला कर दिया। ग्रामीण रोज की तरह ही जंगल में तेंदू पत्ता संग्रहित कर रहे थे, उस वक्त अचानक वह भालू आ गया और उसने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इससे उसने एक महिला को अपना शिकार बनाया और एक बुजुर्ग पर भी हमला कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद सभी ग्रामीणों ने मिलकर भालू भगाने में सफलता हासिल की है। सूरजपुर जिले के कुदड़गढ़ वन परिक्षेत्र के रामपुर से लगे पहरी जंगल में जब ग्रामीण तेंदुपत्ता तोड़ने गए तब भालू ने हमला कर दिया। हमले में एक महिला समेत एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गया। रामपुर निवासी मुन्नी बाई उम्र 35 वर्ष और चपदा निवासी रामनारायण सिंह उम्र 60 वर्ष सुबह तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे। इसी बीच महिला पर जंगली भालू ने हमला कर दिया। कुछ दूरी पर तेंदुपत्ता तोड़ रहा रामनारायण महिला के चीखने की आवाज सुनकर उसके पास गया तो भालू ने उस पर भी हमला कर दिया। दोनों को बुरी तरह जख्मी देख स्थानीय ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद भालू को भगाया। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को ओडगी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में, कहीं जाइएगा मत। जर्जर भोपाली सुनाएंगे अब आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली और कल्याण भाई। आजकल तो इलेक्शन में ऐसी ऐसी खबरें आ रही है, बहुत मजा आ रही है बता रहे हूँ। अभी कल की ये खबर सुन लो, ये दिग्विजय सिंह के समर्थन में कंप्यूटर मोबाइल वाले बाबा हैं। कौन से बाबाओं के नाम भी देखो कि टेक्निकल हो गए हैं आजकल। वो है ना तांत्रिक विद्या कर रहे हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ ये तंत्र मंत्र का उपयोग करना है तो अच्छे कामों में कर लो भैया, थोड़ा ये आतंकवाद समाप्त करवा दो, ये भ्रष्टाचार दूर भगाओ, ये ऐसे काम करो इनके लिए। बाबा मैं बता रही हूँ ये बाबा वही है, इनको पीछे राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया था। और मैं बता रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लूँ अगले चुनाव के बाद, हो सकता है मेरे को मंत्री वंत्री बना दें। बाबा को धंधा अच्छा है बता रही हूँ। और ये खबर ये देख लो, प्रियंका गांधी और ये यानी अब चुनाव में इनको जो स्क्रिप्ट राइटर वगैरह होती हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पहले इनको ये दुर्योधन वगैरह बोल रही हैं मोदी को, और उसके बाद ये राष्ट्र कवि दिनकर की कविता सुना रही है।
जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, बताओ। अब ये कविताएं वगैरह इनको समझ में आती है कि नहीं, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उपयोग बहुत अच्छा हो रही है। हाँ, ये तो चल रहा है। और ये प्रज्ञा ठाकुर, इनको है ना, ये मेडिकल ग्राउंड पे बाहर आई थी, इनको इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। कल में मोटरसाइकिल वगैरह पर देखा इनको, धूप में घूम रही थी पूरे शहर में। और मुझे लगता है कि हो सकता है ये धूप से उनको भी कुछ फ़ायदा मिलता हो, और चुनाव में तो घूमना पड़ता है, पसीने बहाना पड़ता है, बता रही हूँ। हाँ, वो ये कांग्रेसी लोग देखो भैया, गट्ठे भर भर के है ना, वो शिवराज सिंह चौहान के बंगले पे पहुँच गए, वहाँ पे वो सब सबूत देने के करीब माफ़ी के। उन्होंने कहा भैया बैंक वाली लिस्ट लाओ, ये कौन सी लिस्ट लेके आ गए, वो भी मुख्यमंत्री रहे, उनको पता है माफ वाफ कैसे होता है, बता रहे। ये सबूत ले लेके जा रहे हैं, क्या परंपराएं शुरू हो गई हैं, बता दो। वो उनकी सरकार आ गई फिर से, तो फिर ये लेके जाएंगे सबूत, ये तो चल रहा है, बता रहा हूँ। एक दूसरे को नीचे दिखाने में है ना, कोई कसर छोड़ नहीं रहे, बता रही हूँ। हाँ, ये चल रहा है। वो आजकल कैलाश विजयवर्गीय नहीं दिख रहे, और वो मुझे पता लगा वहाँ गए हुए पश्चिम बंगाल, वहाँ पे ने ममता बनर्जी को बहुत टेंशन में ला दिया, उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, हमारे मध्य प्रदेश के हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। मैंने सुना है उनकी ससुराल भी वहीं है, तो वहाँ पे स्वागत वागत भी अच्छा होता होगा उनका। और मैं बता रहा अभी क्या रिजल्ट आ रहे हैं, 10वीं 11वीं 12वीं के, ऐसे लपक के नंबर मिल रहे हैं, 500 में से 499। ऐसे मतलब बच्चों को है ना वो शिक्षा मजदूर बना दिया, बता रहे हूँ। ऐसी मजदूरी करवा रहे हैं बच्चों से लपक के, स्कूल से आए बस्ता फेंका और फिर कोचिंग जाओ, ये पूरे 24 घंटे पढ़ाई वढ़ाई, ये खेलना कूदना उनका बंद हो गया बेचारों का। वो नंबर देख के बड़े खुश होते हैं माँ बाप, हमें बता रहे हैं उनका मानसिक विकास भी तो ज़रूरी है। वो ये जो जाँचने वाले कॉपी और पेपर बनाने वाले, पता नहीं क्या चल रहा है। हमारे टाइम में तो 60% आ जाते थे, पूरा मोहल्ले मिठाई बांटता था, वो अब तो भैया हर आदमी मिठाई बांट रहा है, 90% से किसी कम नहीं आते। तो ये ऐसा तो चल रहा है, मजदूरी चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में। और मैं भी सोच रहा हूँ भैया फिर से है ना अपनी परीक्षा दे लूँ, अपना परसेंटेज सुधार लूँ, लपक के नंबर मिल रहे हैं इस समय। हाँ, तो भैया मैं चला कोचिंग पढ़ने, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।